चलिए जी और करो करे सिर पे मेहर करे यार।
ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਪ੍ਰਤੀਭਾਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ।
मैडम फूल लाओ पीछे।
ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ।
Thank you.
Thank you.
एक सेकंड जी, एक सेकंड रुको। हाँ जी
ਖੜ ਜੂਗੀ। Thank you.
ਤਾਰ
ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨਜ਼ੀਰ ਕੌਰ ਕੁੰਬੜ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 51 ਰੁਪਈਏ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਕੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਕਈ ਲੱਖ ਲਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿਹਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਨਿਭ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ
ਜੱਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਰਾਫ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਰਾਜਾ ਨਾਗਰ ਮਾਲ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। Thank you.
Yeah.
ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਦਾਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਨੀ ਖਾਣਾ ਨੀ प्राचीन पवित्र प्राचीन पवित्र धाम सती परिवार पट्टी परिवार हिमाचल और पंजाब निवासी हमारे हैं, पंजाब के निवासी हमारे ऊना से गए हुए हैं, हमारे साथी हैं, हमारी हमारे भाई हैं, हमारा भाईचारा है। हम सदियों से जहां आकर इस पवित्र त्यौहार को जोड़ मेले को बड़ी खुशी से मनाते हैं। मेरी उम्र लगभग 82 साल है और मैं अपने बचपन से देख रहा था, अब तो क्या बात है, सती माता की बहुत चढ़ती कलम है, बड़ी खुशी की बात है, बहुत आगे से भी ज़्यादा रौनक बनी है। इस पवित्र धाम का हम रोज़ ध्यान करते हैं और इसकी आराधना करते हैं, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और इसी तरह आपस में प्यार बना रहे। हमारी कमेटी हम बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो साथी हैं, जनता है, बहन भाई भरा हैं, वो चाहते हैं ये हमें कमेटी मंजूर है। और पहले जहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ देरी थी, ऊपर छोटा सा निशान था, उसके बाद जब से कमेटी बनी है नई पुरानी, और तभी से ये काम उन्नति पर चला हुआ काम है और भगवान को जो मौजूद है, सती माता को मौजूद मंजूर है। हम आराधना करते हैं आगे लिए भी, हमने एक बलैन बनाई है, हमारे लिए किचन की बड़ी समस्या है रसोई तैयार करने के लिए, साथ में जो उत्तर की दिशा है उस तरफ हमारा झुकाव है। और हम आप जो गांव के निवासी लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रधान लोग हैं, हमारा उनसे अति संपर्क रहता है, वो हमारी सहायता करते हैं, हर वक्त सहायता करते हैं। जब भी हमें कोई औकड़ पेश आती है, हम फोन के रास्ते या टेलीफोन के रास्ते या पत्राचार के माध्यम से हम उन्हें आगाह करते हैं, हमारे बिना कहने से वो काम कर जाते हैं। ये आज देखकर आपके जो जू टीवी वाले कलाकार हैं, आपको भी मालूम हो गया है, ये स्थान अति पवित्र स्थान है और पूजने योग्य है, प्राचीन धाम है। हम जुगों जुग जहाँ पर आते रहेंगे, हमारी संतान आते रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी कमेटी का और जहाँ के इलाके निवासियों का, और नज़दीक मेरी माता नैना देवी है, इस तरफ भी मेरा ध्यान जाता है, उनके चरणों में हमारा धाम है। नैना देवी हम पर कृपा करे, माता सती साढ़े पर कृपा करे, सारा पट्टी परिवार उनकी को अग्रसर हो, भाई बहन अपनी रोजी सही कमाएं, उनका बुद्धि का बल बख्शे, जेब का बल बख्शे और तरक्की करें। इन शब्दों के साथ ही मैं आज के दिन का सभी को मुबारकबाद देता हूँ, कमेटी को, जनता को और सभी लोगों को मुबारक देता हूँ। हाँ जी, हमारे बीच में एक मेरे भाई साहब थे बाबू प्रेम जी, उनकी जो फिजिकली सेहत है अच्छी नहीं रही, उनके स्थान पर हमने अपना पूर्व प्रधान चर्च अपने पुटोली से नियुक्त किया है, उसकी सेहत अच्छी है, हमें उस पर मान है, बड़े कोऑपरेशन देने वाला, सहयोग देने वाला। इन शब्दों के साथ मैं आप सब का और सारी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय सती माता, पट्टी परिवार, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।
मैं सब पट्टी परिवार वालों आप सब नूं ये दसना चाहुंदा, ये जो जगह बनी है पट्टी जठेरियां दी जगह है, ये सब तो प्राचीन जगह है। पंजाब विच कई लोग इस जगह ते नहीं आ सकते सी क्योंकि ये जगह पहाड़ी दे विच है, इत्थों पैदल आना बहुत मुश्किल सी। बहुत साल 20-25 साल पहला असी पिंड विच लंगर तैयार करते सी, इत्थे लिया के मत्था टेकते सी, फिर असी वापस पिंड जाके लंगर लाते सी। हुण मती सती माता की साढ़े इन्नी कृपा हुई है कि सब कुछ असीं इत्थे तैयार करते हैं और इत्थे गड्डी पहुँचण लग पई है। पहला सानू पैदल आना मुश्किल हुंदा सी। मैं आप सब संगत नूं बेनती करदा कि पट्टी परिवार जो जिथे भी कितें पट्टी परिवार वसदे आ उस इत्थे आ के दर्शन दिया करन। साढ़े जठेरे पट्टी परिवार के बहुत पुराने जठेरे ये आ जिन्हें जिहड़े लोग इत्थे पहुँच नहीं सकते सी और इत्थे मिट्टी लिजा के अपने नेड़े नेड़े बना ली लोगों ने, लेकिन इतिहासक बहुत पुराने जठेरे पट्टी परिवार के यही आ। इस करके मैं सब नूं बेनती करदा कि हुम हुम आ के हर साल इस सालाना जोड़ मेले में आया करो, जिहड़ा कि दिवाली तो पहला एतवार असीं मिथिया होया। हर साल इत्थे मेला लगता है, काफ़ी जनता आउंदी है, गुरु का लंगर वरतदा है। मैं सारे पट्टी परिवार को बेनती करदा कि अपने जठेरियां में जरूर आया करो, अपने जठेरियां का मत्था टेको, अपने बजुर्गों तो आशीर्वाद लो। जय गुरदेव, धन गुरदेव। Okay.